ये जो पोस्ट आप अभी देख रहे हैं मेरी, ये क्या कहते हैं ना, मजबूरी है जिसके चलते मैं ये रख रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें जो हैं लूसीफर गड़बड़ कर रहा है, तो जिसके चलते मैंने ये पोस्ट डाल दिया है कि डैनियल राज का प्रचार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, दूसरा ना ही किसी धर्म समाज को, मतलब किसी भी हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट पारसी किसी को भी नहीं, मेरा व्यक्तिगत किसी को अटैक नहीं है, किसी व्यक्ति को विशेष को नहीं है, आप देख सकते हैं वो चाहे किसी भी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन का हो, मेरा उसके उनके प्रति किसी के नहीं है, नीचे देख सकते हैं प्रचार सिर्फ और सिर्फ किंगडम में राज्य के लिए होता है, तो इसका मतलब है कि मैं जो प्रचार करता हूं वो परमेश्वर की कलीसिया के लिए प्रार्थना प्रचार करता हूं, जो यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी कलीसिया, और जिसके साथ मैं एक वचन को कनेक्ट करूंगा और बिल्कुल मिलता जुलता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब से 2020 आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, कि जब से 2020 आ गया, 2000 की घटना जैसे बदली, और विशेष करके कोरोना वायरस पैंडेमिक या कोविड-19 के चलते जो बदलाव पूरे विश्व में हुआ है, इसकी अपेक्षा 2000 में होने वाली थी, लेकिन 20 साल लग गए लोगों को समझने में कि एक सिस्टम बदल रहा है, वो चाहे फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, फाइनेंशियली क्षेत्र में हो या मानसिक क्षेत्र में हो, इन सभी चीजों में 2020 के बाद में पूरा का पूरा एरा चेंज हुआ है, डायमेंशन चेंज हुआ है, और जिसके चलते कई लोगों की आत्मिक उन्नति कई तरीके से जो बिगड़ी थी वो ठीक हुई है, और मुझ जैसे 10% प्रचारक जो कि सामने आए हैं और उनके चलते बहुत सारा सुधार मसीह की देह में हुआ है, तो युग युग या एक एक पीढ़ी परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा करता है, और उनमें से मुझे परमेश्वर ने सौभाग्य दिया कि जब से 2020 उठा या सामने आया और जैसे ही चीजें बदलती चली गई, तो परमेश्वर अपने दासों को उसमें से मुझको प्रकाशन देता है, प्रचार देता है, टॉपिक देता है, और फिर उसको लेके हम आपके बीच में आते हैं। इसका कनेक्शन यहां पर है, गलतियों की किताब उसका पहला अध्याय और वचन 15-17। तो जितने दर्शक हैं ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ बातें मैं बीच में रखना उचित समझता हूं, इसके लिए मैं रख रहा हूं। तो लिखा है, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी आत्माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया। यह वचन मुझे यर्मिया 1:5 याद दिलाता है। एनीवे, लिखा है, मेरी माता की गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई, किस चीज की, कि मैं प्रचार करूं, पौलुस की बात कर रहा हूं, कहता है कि जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। आप सभी जानते हैं प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय, प्रेरितों की किताब 22वां अध्याय, ऐसे करते हुए पौलुस कहता है कि मैं तो जा रहा था लेकिन अचानक से रोशनी चमकी और जो मुझसे बात कर रहा था इब्रानी भाषा में, मैंने उनको पूछा आप कौन हैं, तो उसने कहा मैं यीशु हूं। वाह, तो लिखा है कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। जी, तो लिखता है, तब ब्रैकेट में ब्लैक में लिखता है, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, मांस और लहू मतलब मनुष्यों से, मैंने किसी पास्टर से, किसी अपोस्तल से, किसी प्रॉफिट से नहीं पूछा, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। अब ये कौन कौन है, ऑफकोर्स पत्रस, योहन्ना और बहुत सारे लोग, और 12 प्रेरित जो आप जानते हैं पहला प्रेरितों का पहला अध्याय में। परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौटाया। तो पौलुस कहता है कि मैंने किसी को नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि पुत्र ने मुझ पर प्रकट किया। वाह, तो जिसकी पत्री आज आप पढ़ते हो, जितने भी भारत में विश्व में आप उसकी पत्री पढ़ते हो जिसको यीशु ने खड़ा किया और उसका नाम है पौलुस, वैसे ही हर युग में जब जब लूसीफर एक एक पीढ़ी को गलत शिक्षाओं से बिगाड़ता है, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं कई संडे के प्रचारों में, जैसे वो बिगाड़ता है तो उसके ठीक विरोध में परमेश्वर अपने सेवकों को खड़ा करता है, और जिसके चलते ऐसी ही घटना जब पहुंची गमलियेल के पास,
याद रखो एक व्यक्ति था, एक फरीसी था, व्यवस्था पाक था, जिसका नाम है गमलीएल। उसके पास जब ये पहुंची कि क्या चल रहा है, पतरस यूहन्ना पहली सदी, तो ऐसे करते करते जब उसके पास पहुंची, देखो उसने क्या किया, तो लिखा परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्था पाक और सब बातों में माननीय था, मतलब उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन थी, तो लिखता है कि न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इसराइलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना। वाह, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले लिखा है युयादास यहां कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, मतलब उसने कोई अपनी टीचिंग लाई होगी, मैं भी कुछ हूं, और कई 400 मनुष्यों को अपने पीछे या अपने साथ हो लिया, परंतु वह मर गया और जितने लोग उसके मानते थे सब तितर बितर हो गए। ये व्यक्ति युयादास, इसका नाम है युयादास। उसके बाद नीचे लिखता है, उसके बाद जब नाम लिखा है कि दिनों में यहूदा गलीली उठा, कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया और जितने लोग उसके मानते थे वे भी तितर बितर हो गए। अब जरा देखिए जिसको मैंने रेड से स्पॉट किया, लिखा है इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं इन मनुष्यों से दूर रहो। किससे? पत्रस से। किससे? यूहन्ना से। किससे? स्टीफन से। किससे? फिलिप से। किससे? पौलुस से। किससे? पहली सदी के लोगों से। और अब यही वचन मुझ जैसे 10% के लिए भी लागू होता है कि इन मनुष्यों से दूर रहो। कौन लोगों को कह रहा है? उन लोगों को कह रहा है जो परमेश्वर का काम बिगाड़ते हैं। कैसे? मैं बताता हूं। लिखा है इसलिए अब तुमसे कहता हूं इन मनुष्यों से भी दूर रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा। किसी ग्रुप के तरफ से है तो मिट जाएगा, किसी व्यक्ति की तरफ से है तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि ना मिटा सकोगे। वाह, जिस मिशन को मैं कर रहा हूं, अगर यह परमेश्वर की ओर से है, इसको कोई नहीं मिटा पाएगा। साथ ही साथ नीचे लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं मेरी वीडियो जहां तक पहुंच रही है, जो मुझे प्यार करते हैं उनको, जो मुझे पसंद नहीं करते उनको, जिनको मेरी टीचिंग से, मतलब प्रभु की टीचिंग से, मेरी टीचिंग को मैं इसलिए कह रहा हूं, उनके टीचिंग को जो मैं मेरी तरफ से आप तक पहुंचती है उस कॉन्टेक्स्ट में, जिनको पसंद नहीं है, तो ये वचन याद रखिएगा, ये टोटल 34 से 39, अगर प्रभु की ओर से है ये डैनियल राज, तो भैया भूल जाओ, लेकिन अगर प्रभु की ओर से नहीं है, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये सिंपल सीधी सी बात है।